हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। छठा लाइव टेस्ट और हम लोग जल्दी शुरू करने वाले हैं छठा लाइव टेस्ट। और जल्दी से लाइव आ जाइए आप सभी लोग, ताकि इस लाइव टेस्ट की हम शुरुआत कर सकें। बहुत ही मज़ेदार लाइव टेस्ट होने वाला है ये हमारा। आज फिजिक्स का छठा लाइव टेस्ट होने वाला है और एग्ज़ाम में कुछ ही समय बच रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि प्रतिदिन रात में 8 बजे हम एक लाइव टेस्ट लेकर आते हैं, जिस लाइव टेस्ट में हम आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देते हैं। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रत्येक के 4 विकल्प होते हैं और किसी एक विकल्प का चयन करना होता है। और ये बहुत ही मज़ेदार लाइव टेस्ट होने वाला है इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके इस लाइव टेस्ट से बिल्कुल कवर हो जाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, लाइव आ जाइए। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड में 30 से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी काफ़ी बड़ा एरिया आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, 12th बोर्ड परीक्षा फिजिक्स बौद्ध की छठा लाइव टेस्ट, जल्दी ज्वाइन करें। जी हाँ, अभी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। नीचे शेयर का बटन दिख रहा होगा, शेयर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करिए। जल्दी से दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है, जल्दी से शेयर कर दीजिए। अभी टाइम है टेस्ट में, 15 से 20 सेकेंड अभी लगेगा टेस्ट को शुरू करने में। तब तक आप अपने दोस्त के साथ फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह शेयर कर दीजिए और प्रतिदिन रात में 8 बजे हमारे साथ जुड़े हुए रहिए और टेस्ट का बिल्कुल लुत्फ़ उठाइए, मज़ा उठाइए लाइव टेस्ट का। और देखिए यहाँ पर हमने जो बातें लिखी है कि टेस्ट देकर 15 दिनों में 90% है, ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर आप इस चीज़ पर काम करते हैं तो 15 दिन में 90% तो तय है। और जो बच्चे 2021 में तैयारी करेंगे, जी जिनका एग्ज़ाम 2020 में नहीं है, जिनका एग्ज़ाम 2021 में है, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने प्ले स्टोर अपने ऐप ड्रीम क्लासेस का लिंक भेज दिया है। ऐप को डाउनलोड करिए और 2021 का कोर्स परचेज कर लीजिए अभी से। 1 साल का कंप्लीट कोर्स रहेगा, उसमें हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। पूरे 1 साल तक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ का एक कंप्लीट कोर्स लेकर आए, उस कोर्स पर क्लिक करिए, ठीक है। ऐप खोलिए, स्टोर पर जाइए, स्टोर में जाने के बाद सबसे ऊपर जो कोर्स है उसको खोलिए। उस कोर्स में आपको एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को अच्छे से समझिए और आपको पता चलेगा उस वीडियो में कि उस कोर्स के अंतर्गत हम क्या क्या लाने वाले हैं। चलिए बिल्कुल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा अपने ऐप का, नहीं तो डायरेक्टली आप प्ले स्टोर पर सर्च करिए ड्रीम क्लासेस, ब्राउन कलर का लोगो होगा, ऐप को डाउनलोड करिए और अभी तुरंत कोर्स को परचेज करिए 2021 के लिए। ये आपके लिए नहीं, आपके छोटे भाई बहन या दोस्त के लिए। शुरू करें लाइव टेस्ट, रेडी? जी हाँ बिल्कुल, चलिए लाइव टेस्ट की शुरुआत करते हैं और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। पहला सवाल, एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? ये इस बार के लिए मैं वीवीआई कर रहा हूँ, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन और इसे मैंने वीवीआई कर दिया। कह रहा है एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है, ठीक है, का न्यूनतम विचलन कोण एंगल कितना होगा? 4 विकल्प जैसा कि आपको फोन के स्क्रीन पर ही दिख रहा है, बस करना कुछ नहीं है, बता देना है कि चारों में से सही आंसर क्या होगा। तो मैं कहना चाहूँगा जो करेक्ट आंसर होगा पहला क्वेश्चन का, 4 विकल्प जैसे कि पहला ऑप्शन है 1 + μ (a²), μ-1 (a), μ+1 (a) और 1 - μ (a)। 4 विकल्प फोन के स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सा विकल्प सही है। जी रेडी फॉर द आंसर, आप आंसर दे रहे हो या मैं बताऊँ? बहुत अच्छा सवाल है, चलिए अब मैं बताता हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर है पहला नंबर क्वेश्चन का, ये होगा बी, μ-1 (a). और मैं देख रहा हूँ कि हर दिन की तरह आज भी हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स जो है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जल्दी से रेडी हो जाइए अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन रखिए आपके फ़ोन पे। चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपके फ़ोन के स्क्रीन पे रख रहा हूँ, उम्मीद है कि तुरंत शेयर करिएगा, ठीक है, अभी तुरंत इसका आंसर दीजिए और जल्दी से नीचे लाइक का बटन है, आपको ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो नीचे लाइक का बटन है, लाइक करिए और शेयर का बटन है, जल्दी से शेयर करिए, जल्दी से लाइक और शेयर करिए। एक सवाल है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अविदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होगा? एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अविदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होगा? क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो पहला ऑप्शन है काल्पनिक और छोटा, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक और छोटा, तीसरा है वास्तविक व बड़ा और चौथा ऑप्शन है काल्पनिक एवं बड़ा, ठीक है, जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है,
कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए। तो जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर दूसरा का वो हमारा होगा बी। ठीक है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं छोटा होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक सेकेंड सॉरी छोटा सा गलती हो गया, रुक जाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर दो है ना, इसका मेरे हिसाब से नहीं रुकिएगा थोड़ा सा, वेट। क्वेश्चन नंबर दो का जो हमारा आंसर होगा, ठीक है, ये हमारा सी आंसर होगा। जी गलत हो गया था, बी नहीं होगा, वास्तविक एवं बड़ा होगा। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं बड़ा होता है। ठीक है, दूसरा का जो आंसर होगा वो सी होगा, वास्तविक एवं बड़ा। तीन नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा, एक्स किरणों का के तरंग दैर्ध्य का क्रम होता है। बहुत अच्छा सवाल है ये, जल्दी से बता दीजिएगा क्या आंसर होगा। जल्दी से बता ही दीजिए क्या आंसर होगा, जल्दी से मैं वेट कर रहा हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, बच्चे जो इसका कंटिन्यू इसका आंसर दे रहे हैं और बहुत ही बेटर फील हो रहा है कि एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य का क्रम 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 माइक्रोन या 1 एंगस्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 3-4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा है और करेक्ट आंसर होगा एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य का क्रम होता है। 3 का जो होगा डी आंसर होगा जी, 1 एंगस्ट्रम। ठीक है, 1 एंगस्ट्रम बराबर वैल्यू होता है 10^-10। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। चौथा, बिल्कुल चौथा सवाल फोन के स्क्रीन पे दिख रहा है, फोन के स्क्रीन पे दिख रहा है। चौथा सवाल है कि मृग मरीचिका का वर्ण पूर्णांतिक प्रावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर चौथा। जल्दी से बताइएगा, मैं देख पा रहा हूँ आंसर आ रहा है बहुत गति में, और आज तो कम से कम क्रॉस करवा दीजिए 700, कल तो हो नहीं पाया था ठीक से। ठीक है, आसपास में बच्चे अटक रहे थे पर 700 नहीं हो रहा था। अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ, बायो सभी के लाइव टेस्ट लेकर आए तो मेरा जो ख्वाब है बस वो पूरा करवा दीजिए। मेरा ख्वाब है कि मेरे चैनल पर मैं जब भी लाइव टेस्ट लूँ 1000 बच्चे, कम से कम 1000 बच्चे लाइव रहेंगे, और ये तभी संभव है जब आप हमारी वीडियोस को शेयर करोगे और अपने दोस्तों को ये बात बताओगे। जल्दी बताइएगा मृग मरीचिका का क्या कारण है, पूर्णांतरिक प्रावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण। 4 विकल्प फोन के स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। एक छोटा सा मोटिवेशनल शायरी कि सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं के शहर। अरे सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिलों को पाने के लिए। बहुत अच्छी बात कही है किसी शायर ने कि सोचने से क्या मिलता है और सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं के शहर, चलना भी तो ज़रूरी है मंजिलों को पाने के लिए। और इसी के साथ चौथा नंबर क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर होगा मृग मरीचिका का बनना पूर्णांतरिक प्रवर्तन। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, कि बहुत बच्चे इस टेस्ट में जुड़ चुके हैं और इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो 90-95% क्वेश्चन आंसर जो है बच्चे सही दे रहे थे, पूर्णांतरिक प्रावर्तन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके फ़ोन के स्क्रीन पर रखा हुआ है कि एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यक है, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे और दीर्घ दृष्टि दोष। फिलहाल दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में बताना है कि एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यक है। पता है मेरे साथ एक घटना क्या होता था, जब मैं बचपन में छोटा था तो मुझे लगता था निकट दृष्टि दोष, अच्छा ऐसा कारण है, निकट दृष्टि दोष नाम से देखिए निकट की वस्तु को देखने में दोष, दीर्घ दृष्टि दोष दूर की वस्तु को देखने में दोष, ऐसा मुझे बचपन में लगता था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, मैंने अच्छे से पढ़ाई की लेंस के बारे में, ठीक है, तो पता चला कि अच्छा निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि निकट की ही वस्तु दिखेगी, दूर वाला नहीं दिखेगा, और दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब है कि दूर वाला ही दिख जाएगा जी, निकट वाला नहीं दिखेगा। बहुत ही ये जो ऐसी बातें हैं ये मुझे काफ़ी बचपन में कंफ्यूज करता था। और एक टॉपिक था नॉलेज, जिसको इंग्लिश में अगर एक एक वर्ड में बोला जाए अल्फ़ाबेट में तो कहेंगे KNOWLEDG। तो मैं इसे बचपन में कैनॉलेज पढ़ता था, ठीक है, बचपन में मतलब 2, 3, 4, 5 की बात कर रहा हूँ मैं, क्या नॉलेज पढ़ता था, क्योंकि के से स्टार्ट होता है नॉलेज, नॉलेज होता है ना के से स्टार्ट,
KNOWLEDG, तो मैं इसे कैनोलेज पढ़ता था, बाद में पता चला अच्छा ये के जो है वो साइलेंट छिप जाता है, आई मीन हट जाता है, नॉलेज पढ़ा जाता है इसको। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो है ये कन्फ्यूजन करता था लाइफ में। एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है, तो कहेंगे निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सामान्यता, सवाल बहुत अच्छा है, सामान्यता आँख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मुझे तो लगता है 100 में 110% बच्चे सही मारेंगे। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन जो है ना बहुत हाईलाइटेड है और आंसर भी बहुत स्पीड में आ रहा है, इसलिए हम इस क्वेश्चन पर ज़्यादा रुकेंगे नहीं और सीधे सीधे कहेंगे कि स्पष्ट सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और प्लीज़ मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारी बातों को मानते हो और अगर आप हमें मानते हो तो प्लीज़ आप हमारे कोर्स को बच्चों के साथ परचेज करवाइए। ठीक है, ताकि मैं एक उन्हें कंप्लीट कोर्स दूंगा, आज मैं उसके अंदर जैसे वो आप 2021 के लिए जो मैंने कोर्स बनाया ना उसके अंदर हम PDF डालने वाले हैं। ठीक है, आज ऐप खोलिएगा, स्टोर पर जाइएगा, ठीक है समझिए इस चीज़ को, बात को, ऐप खोलिएगा, स्टोर पर जाइएगा, स्टोर में जाने के बाद 2021 के लिए जो कोर्स होगा ना उस पर क्लिक करके देखिएगा। ठीक है, आज रात में या कल से देखिएगा, मैं उसमें एक एक लेशन का जो है PDF दे दूंगा। ठीक है, जैसे एक लेशन फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा फ्री रहेगा, सॉलिड स्टेट पूरा फ्री रहेगा, मतलब एक एक लेशन का PDF और एक एक लेशन का लेक्चर मैं फ्री दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, कोर्स को परचेज करेंगे, परचेज करना होता है, ठीक है, एक साल तक कोई फी नहीं लगेगा, बस वही एक बार जो लगेगा लगेगा 999, फिर एक साल तक PDF, लेक्चर, नोट्स, लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर्स सब मैं डालने वाला हूँ। इस बार से ज़्यादा फैकल्टी अगले साल प्रोवाइड करेंगे, मतलब 2021 के लिए जो हमारी तैयारी है, बहुत कुछ मेहनत किया है मैंने। अगला सवाल, समझ रहे हो ना आप बात, बिल्कुल, उम्मीद है कि आपके थ्रू एक एक बच्चा तो जरूर जाएगा, हर एक स्टूडेंट अपने एक एक मित्र को जरूर हमारे प्ले स्टोर से ऐप को परचेज करने के लिए। देखिए, जब तक आप एडवाइस नहीं करोगे ना तब तक वो परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपने हमारे यहाँ से क्या सीखा है, वो आप उन्हें बताओगे तब भरोसा एक होता है ना वो बढ़ेगा। सवाल नंबर 7 कि तरंग का कालांतर, फाई का पथांतर, डेल्टा एक्स का संबंध क्या है, जल्दी से बता दीजिएगा क्या आंसर होगा इसका। बहुत अच्छा सवाल है जी, ये बहुत ही उम्दा सवाल है। सवाल है कि तरंग का कालांतर, फाई का पथांतर, डेल्टा एक्स से संबंध, रिलेशन बताना है, क्या रिलेशन होगा ये आपका। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही उम्दा सवाल है, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे, और इसे मैं इस बार के लिए VVI लिख देता हूं, जिससे मैंने VVI लिख दिया, उस क्वेश्चन को अगर आप इग्नोर करते हो तो फिर आई डोंट नो कि आप कहां मिस्टेक कर रहे हो, कहां गलती हो रही है आपसे। ठीक है, चलिए रेडी, बहुत अच्छा आंसर काफ़ी आ रहा है, सीधे सीधे हम आंसर पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा होगा लेमडा बाई 2π × 5। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, नोट बिल्कुल करिएगा, बिल्कुल बिल्कुल शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को। रेडी हैं अगले क्वेश्चन के लिए, ओके, ब्रूस्टर लॉ, ये तो काफ़ी बार पूछ चुके हैं, जल्दी बता ही दो अब, ब्रूस्टर लॉ, ब्रूस्टर का नियम जल्दी बताइए, ताकि हम अगला क्वेश्चन आपके सामने रख सकें। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, सभी स्टूडेंट बिल्कुल सही सही, और वो भी गति में आंसर दे रहे हैं कि μ = 10 IP, सबको पता है क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार ऑलरेडी टेस्ट में आ चुका है। ब्रूस्टर लॉ, μ = 10 IP, और क्वेश्चन नंबर 9, ये VVI इस बार के लिए मैंने करा है। फ्रेनल दूरी ZF का मान क्या होता है जी, a/λ, a² / λ, λ/a, λ/a² क्वेश्चन नंबर 9, 4 विकल्प फोन के स्क्रीन पे है, क्या होगा फ्रेनल दूरी ZF का मान क्या होगा, मैं देख पा रहा हूँ बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं, और ये अच्छी चीज़ है, ये जो है बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इसका आंसर बहुत गति में देते हो, और इसका आंसर होगा, मैं बताऊँ, फ्रेनल दूरी ZF का मान होगा B नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा, 9 का V, a² / λ हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10,
E = mc² समीकरण कहलाता है। E = mc² समीकरण कहलाएगा। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, प्लांक का क्वांटम समीकरण या नन ऑफ दी, ये VVI, जिसे मैंने VVI कर दिया उसको इग्नोर मत करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। E = mc² समीकरण कहलाता है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, प्लांक का क्वांटम समीकरण या नन ऑफ दी, क्वेश्चन नंबर 10, चार विकल्प। जल्दी बताइएगा, थोड़ा जल्दी बताइएगा क्या आंसर होगा। एक मोटिवेशनल शायरी हम आपके लिए लेकर आते हैं, थोड़ा सा पहले इसका आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा। आंसर आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर मैं बताऊं जी, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ठीक है। जल्दी से बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के फोन के स्क्रीन पे रखते हैं। रेडी हैं? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, एक AMU के तुल्य ऊर्जा क्या होगा, कितना, 190 मेगावाट, 139, 913 और 931। जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा जी। एक AMU बराबर क्या होगा, चलिए मैं आंसर बताता हूँ। आंसर आ रहा है, बहुत गति में आ रहा है, और करेक्ट आंसर होगा डी, 931 मेगावाट। बहुत अच्छा है, ठीक है। एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ, 11 के बाद कह रहा है कि पंखों को खोल। अरे पंखों को खोल, जमाना तो सिर्फ उड़ान देखता है, ठीक है। पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जी। बहुत अच्छा, एक छोटा सा शायरी मैंने अपनी तरफ से, हालांकि उतना मज़ा नहीं आया होगा आप लोग को, लेकिन एक शायरी मैं कुछ ही देर में बताने वाला हूँ। पहले 12 नंबर क्वेश्चन बताइए, बाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया करना, ये भी इम्पोर्टेंट है जी, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है, इसको भी इग्नोर मत करिएगा। बाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम बताइए, प्रेषण, मॉडुलन, बी मॉडुलन या ग्रहण। बाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम, प्रेषण, मॉडुलन, बी मॉडुलन या ग्रहण। जल्दी से बताइएगा। क्या होगा आंसर। वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम क्या होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कि वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो मॉडुलन होगा। 12 का बी, 11 का तो डी हो गया था, 12 का बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और अगला सवाल आपके फ़ोन के स्क्रीन पर हम रख रहे हैं, ओके। चलिए अगला सवाल फोन के स्क्रीन पर है कि प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है किस पे आधारित है, जल्दी से बताइएगा। प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है किस पर, विवर्तन, व्यतिकरण, पूर्णांतिक प्रावर्तन या अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 13, चार विकल्प आपके फोन के स्क्रीन पे रखा हुआ है। प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा। भीड़ जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है और आज आप लोग शायद 700 तो बिल्कुल क्रॉस ही कर दोगे लग रहा है ऐसा। जल्दी से बताइएगा प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है। प्रतिदिन अपने भाई बहन सबको बोल दीजिए, जो आपके मित्र हैं, जो लाइव टेस्ट देने वाले हैं, जो 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनको बता दीजिएगा, ठीक है। तो प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है
और वो जो मैं ऐप लेकर आ रहा हूँ ड्रीम क्लासेस के नाम से, प्ले स्टोर पे मैंने ऑलरेडी लॉन्च करवा दिया है। लगभग 15 से 20 हज़ार बच्चों ने हमारे ऐप को 15 दिनों में डाउनलोड कर लिया है। तो उस ऐप की खासियत ये है कि वहाँ पर हम साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, 10th 12th सभी के टीचर्स अवेलेबल कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। 10th के भी, आर्ट्स के भी क्लासेस वहाँ पे चलेगी। तो प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन होगा, ठीक है। प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत होगा पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन। और इसी के साथ हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पे रखते हैं, ए एन डी गेट के लिए, ठीक है। ए एन डी गेट के लिए कितने डायोड की आवश्यकता पड़ेगी जी स्टूडेंट, जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ए एन डी गेट के लिए कितने डायोड की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बता दीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 14, 1, 3, 2, 4, चार विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा है कि ए एन डी गेट के लिए कितने डायोड की आवश्यकता पड़ती है, जल्दी से बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए मैं आंसर बताता हूँ कि ए एन डी गेट के लिए 2 डायोड की आवश्यकता पड़ती है, इस कारण से आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये सी होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, 2021 के लिए कोर्स परचेज करना है तो यहाँ पर जल्दी जल्दी आप लोग व्हाट्सअप करवा दीजिए अपने दोस्तों से, ठीक है। हालांकि मैं 2021 पे थोड़ा इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि 2020 का ये 7 है जी, 2020 का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, मतलब होने वाला ही है, तो अब हम लोग 21 के लिए बच्चों को अभी से ही मोटिवेट करें। क्वेश्चन नंबर 15 का जल्दी से आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल मैं आपका वेट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए मैं बताऊँ क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हमारा होगा वो बी होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। और अब हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करते हैं कि परम शून्य ताप, क्वेश्चन नंबर 16, परम शून्य ताप पर एक निज अर्धचालक व्यवहार करता है किस तरह से, कुचालक के रूप में, अति चालक के रूप में, पूर्ण चालक के रूप में, या नन ऑफ दिज। एक परम शून्य ताप पर एक निज अर्ध चालक व्यवहार करता है, एक कुचालक के रूप में, अति चालक के रूप में, पूर्ण चालक के रूप में, या नन ऑफ दिज। क्वेश्चन नंबर 16, चार विकल्प आपके फोन के स्क्रीन पे दिख रहा है, तो हम कहेंगे 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ए बी सी डी, चार विकल्प जल्दी से बताइएगा। परम शून्य ताप पर एक निज अर्ध चालक व्यवहार करता है, तो हम कहेंगे 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा, बताऊं मैं, ओके, 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, एक कुचालक की तरह, ठीक है। परम शून्य ताप पर एक निज अर्धचालक व्यवहार करता है एक कुचालक के रूप में। और 17 नंबर क्वेश्चन कि सूर्य की ऊर्जा का क्या कारण है, नाभिकीय विखंडन, संलयन, गैसों का, ये तो मुझे पता है 90-99% 100% स्टूडेंट इसका सही आंसर देंगे, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है कि सूर्य की ऊर्जा का कारण है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, गैसों का जलना, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर होगा 17 का, सबको पता है, सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से आंसर आ रहा है, ठीक है, सिर्फ बी 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 बी, बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर होगा बी, नाभिकीय संलयन। और 18 नंबर क्वेश्चन कि न्यूक्लियर बल की प्रकृति है कैसा होगा जी, न्यूक्लियर बल विद्युतीय, चुंबकीय, गुरुत्वीय, या नन ऑफ दीज, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा, न्यूक्लियर बल की प्रकृति है, न्यूक्लियर बल की प्रकृति है क्वेश्चन नंबर 18, विद्युतीय, चुंबकीय, गुरुत्वीय, या नन ऑफ दीज। हालांकि ये तो कुछ नहीं होना चाहिए न्यूक्लियर बल, आई थिंक मेरे हिसाब से विद्युतीय, चुंबकीय और चुंबकीय दोनों, तीनों नहीं है, आई थिंक मेरे करेक्ट मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो डी होना चाहिए जी, ठीक है, कि न्यूक्लियर बल की जो प्रकृति है वो नन ऑफ दीज है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इन तीनों में से तो कोई नहीं होगा, बिल्कुल कन्फर्म है। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होगी, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होगी, तो हम कहेंगे समतल दर्पण की, चलिए तो समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता जो होगी वो इसका आंसर होगा सी,
19 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, नोट कर लीजिएगा। और ये 20 नंबर क्वेश्चन, धीरे धीरे भीड़ को बढ़ाइए और बहुत अच्छा अच्छा सवाल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है? प्रकीर्णन, विवर्तन, वर्ण विच्छेपन या अपवर्तन? क्वेश्चन नंबर 20 कि इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है, तो हम कहेंगे इंद्रधनुष का निर्माण, जल्दी से बताइएगा क्या होगा आंसर, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है। चार विकल्प आपके फोन के स्क्रीन पर है, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है, तो हम कहेंगे 20 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वर्ण विच्छेपन होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होगा? वर्ण विच्छेपन से होगा, ठीक है। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं, और इसको हमने न्यूमेरिकल में ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था, बता दिया था बच्चों को, पर फिर भी यहाँ जो लाइव टेस्ट में आ गया है तो आप दीजिए और थोड़ा सा सॉल्व करके बताइए। दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है को संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी क्या होगा? दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है, ठीक है, इनको संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी, क्वेश्चन नंबर 21, चार विकल्प फोन के स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ये न्यूमेरिकल में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे अच्छे से, 21 का भी होगा, आपने आंसर किया था, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अगला सवाल रखें, 21 का बी आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है ये, और सवाल है कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मीटर में कितना होगा? जी m इज इक्वल टू 1/61, 1/10, सॉरी 10 या 1/2। चलिए जल्दी से बताइएगा, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता, चलिए मैं आंसर बताऊं, क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो एक होगा, 22 का बी, ठीक है, 22 का बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर अब हम लोग एंट्री करते हैं, हो गया 22 का जो हमारा मानव नेत्र की विभेदन क्षमता m इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 23 की, बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक है? बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है? परावैगनी किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें या नन ऑफ दीज? ये VVI, ठीक है, आज के लिए मैं VVI कर रहा हूँ इसको, जल्दी से बताइएगा, ये आपका VVI होगा। सवाल है, बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक है? परावैगनी, अवरक्त, एक्स या नन ऑफ दीज? क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, करेक्ट आंसर जल्दी से बोलिएगा क्या आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन पीछे हमने टेस्ट में बताया था कि बहुमूल्य नगों की पहचान में सहायक जो होगा वो हमारा परावैगनी किरणें होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, 24 नंबर क्वेश्चन की, विद्युत चुंबक के प्रेरण से संबंधित नियम को कहते हैं, विद्युत चुंबक के प्रेरण से संबंधित नियम को कहते हैं, न्यूटन्स लॉ, ओम्स लॉ, फैराडेज लॉ, एम्पियर लॉ, कौन सा होगा? जी न्यूटन का नियम होगा, ओम का नियम होगा, फैराडे का होगा या एम्पियर का होगा? क्वेश्चन नंबर 24, बहुत अच्छा सवाल है ये कि विद्युत चुंबक के प्रेरण से संबंधित नियम को हम क्या कहेंगे, न्यूटन का, ओम का, फैराडे का, एम्पियर का? ए बी सी डी चार विकल्प फोन के स्क्रीन पर है, ओके मैं बताता हूँ आंसर, रेडी? आज मजा आ रहा होगा नहीं लाइव टेस्ट में, जल्दी, शेयर बहुत कम कर रहे हो आप लोग, बिल्कुल 2-3 दिनों में आपको हम काफ़ी जो है आपको और भी लेवल बढ़ाने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के जो लेवल हैं वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा, विद्युत चुंबक के प्रेरण से संबंधित नियम को जो हम कहेंगे वो 24 का हमारा सी होगा, फैराडे का नियम, फैराडे इज लॉ, ठीक है, विद्युत चुंबक के प्रेरण से संबंधित नियम को कहेंगे फैराडे का नियम। और क्वेश्चन नंबर 25 जो है कि प्रत्यावर्ती धारा का ऐसा ही मात्रक, ये तो बहुत अच्छा सवाल है जी, क्वेश्चन नंबर 25, प्रत्यावर्ती धारा का ऐसा ही मात्रक,
कुलाम्ब, कुलाम सेकेंड, एम्पियर या हेनरी। क्वेश्चन नंबर 25, प्रत्यावर्ती धारा का एसआई मात्रक कुलाम्ब, कुलाम सेकेंड, एम्पियर या हेनरी, क्या होगा आंसर हमारा? प्रत्यावर्ती धारा का एसआई मात्रक होगा कुलाम्ब, कुलाम सेकेंड, एम्पियर या हेनरी। चलिए तो इसका आंसर हम बताएंगे, 25 का जो आंसर होगा सी होगा, एम्पियर। प्रत्यावर्ती धारा का एसआई मात्रक जो होगा वो हमारा एम्पियर होगा। और इसी के साथ 26वां नंबर सवाल, तांबा क्या है? प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय या ननभदिज। तांबा है एक किस तरह के पदार्थ का उदाहरण है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ या ननभदिज। तांबा है क्या होगा? तो हम बताएंगे तांबा जो होगा वो आपका होगा, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा, तांबा क्या है, जल्दी बताइए। ओके आंसर बताऊं मैं, रेडी? ओके स्टूडेंट, तो तांबा जो है ना जी आपका, ये एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। देख पा रहे भीड़ तो अच्छा खासा है आज, अच्छा लग भी रहा है मुझे, ठीक है, और आपको भी मजा आ रहा होगा नहीं। तांबा एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ओके 27 नंबर क्वेश्चन, उदासीन बिंदु पर बी ग्रेटर देन एच, एच ग्रेटर देन बी, बी इज इक्वल टू एच और बी इज इक्वल टू ओ, जल्दी से बताइएगा उदासीन बिंदु पर क्या होगा, चारों में से कौन सा, कौन सी स्थिति पैदा होगी? क्वेश्चन नंबर 27, चार विकल्प, उदासीन बिंदु पर क्या होगा जी? क्वेश्चन नंबर 27, चार विकल्प आपके सामने रखे हुए हैं, ए बी सी डी। तो हम कहना चाहेंगे जब उदासीन बिंदु रहेगा तो उस समय 27 नंबर क्वेश्चन का जो होगा वो करेक्ट आंसर सी होगा, B इज इक्वल टू H। उदासीन बिंदु पर B और H जो है वो आपस में बराबर होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 28, चुंबक के प्रेरण की बीमा है, चुंबक के प्रेरण की जो बीमा है वो ML0 टी इनवर्स टू A इनवर्स, जल्दी बताइएगा क्या आंसर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 28 के चार विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा है, तो जो आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 28 का जो होगा, मैं बताऊं, रेडी हैं सब? तो 28 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ए, ML0 टी इनवर्स टू ए इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 28 करेक्ट आंसर ए होगा। और हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक, तो कहेंगे ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक जो होगा वो न्यूटन, जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर या टी, जल्दी से बताइएगा ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक। क्वेश्चन नंबर 29, चार विकल्प आपके स्क्रीन के, फोन के स्क्रीन पर दिख, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ रहा है नहीं, बार बार रिपीट हो रहा है, हालांकि इस चीज़ को अब कम करेंगे थोड़ा कि रिपीटेड क्वेश्चन कम लेकर आएंगे, पर दो चार क्वेश्चन तो हर टेस्ट में आपका रिपीट रहेगा, उससे क्या होता है ना कि थोड़ा कैपेसिटी बढ़ता है आपको, क्वेश्चन बार बार रिपीट होने से वो याद हो जाएगा, सबको पता है कि एम्पियर होगा जी, नहीं एम्पियर मीटर। आपको एक ओम के तीन प्रतिरोध दिए गए हैं, अगर इनको आपको संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है, कितना इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है, कितना, एक ओम, एक बटे दो, टू दो ओम या एक बटे तीन ओम, ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है बिल्कुल आपको कंप्लीट, आपको अच्छे से, ठीक है, तो क्या आंसर होगा आपको, अगर एक ओम के तीन प्रतिरोध दिए गए हैं तो इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है, तो जो करेक्ट आंसर होगा 30 का वो हमारा होगा, हाँ, 1/3 ओम। और उम्मीद है कि ये लाइव टेस्ट बहुत ही मज़ेदार रहा होगा, ठीक है। और प्लीज़ अगर आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं ना दिल से, तो बस कुछ नहीं करना है, आप अपने एक एक मित्र को हमारे प्ले स्टोर से ऐप को परचेज करवा दीजिएगा, ठीक है, बस काफ़ी है उतना हमारे लिए, हम समझ जाएंगे कि आपने अपना गुरु दक्षिणा राहुल सर को दे दिया, ठीक है। अगर आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसे गुरु दक्षिणा ही समझ लीजिएगा, ठीक है। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपके सहायता से एक बच्चा प्ले स्टोर पर 2021 के लिए एक कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर ले, ठीक है, उसकी जो भी फीस है वो पे करेंगे, उनको हम एक साल तक लेक्चर और पीडीएफ दोनों साथ में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो अगर आप एक साल में कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो बस उतना दे दीजिएगा,
और इसके लिए बहुत आभारी रहेंगे हम आपके। ठीक है, हमारा भी परिवार है, समझ ही रहे होंगे बात को, तो वो भी अच्छे से चलना चाहिए। नहीं तो रहने देते हैं आज के इस लाइव टेस्ट को यहीं पे, बाय बाय, मिलते हैं कल फिर से 8 बजे। एकदम कमर कस के आइएगा, ठीक है, अच्छे से खाना पीना खा के उसके बाद लाइव टेस्ट को शुरू करेंगे।